यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर शिकंजा। सपा नेता रफी खान और नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर एक्शन। 5 लाख से अधिक नकली नोट, 4 सुतली बम, 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस बरामद। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जायद ढेर। 2 RPF जवानों की हत्या मामले में था वॉन्टेड। जायद पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केस दर्ज। UPSTF की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के जौनपुर के अटाला मस्जिद मंदिर विवाद पर सुनवाई 27 सितंबर को। हिंदू पक्ष का दावा, अटाला मस्जिद मस्जिद नहीं बल्कि अटाला माता मंदिर है। पिछली सुनवाई में जौनपुर कोर्ट ने तथाकथित मस्जिद की पैमाइश करने का दिया था आदेश। तालाबंद होने के चलते वापस लौट गई थी पैमाइश टीम। महाराष्ट्र के बदलापुर रेपकांड के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत। पुलिस के साथ झड़प में लगी थी गोली। पुलिस की पिस्टल छीन कर आरोपी अक्षय शिंदे ने की थी फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जेल से ले जाते वक्त आरोपी ने फायरिंग की थी। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे के शव का पंचनामा। आज सुबह न्यायाधीश की उपस्थिति में हुआ पंचनामा। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। फडणवीस बोले, आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए ले जा रही थी। सीएम शिंदे ने कहा, पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। अक्षय शिंदे की मौत पर सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल, कहा पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत होना न्याय प्रक्रिया का पतन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है, न्यायालय इसकी जांच करे। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर और अब पुलिस पर हमला कहा जा रहा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बदलापुर एनकाउंटर को अच्छी खबर बताया, कहा सवाल उठाने वाले बताएं कि वो आरोपी के साथ हैं या पुलिस के साथ। पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। यात्रा के दौरान क्वाड बैठक, संयुक्त राष्ट्र में संबोधन सहित कई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस थमाया। प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद टीडीडी के पूर्व चेयरमैन का ड्रामा। बेगुनाही साबित करने के लिए बालाजी के सामने ली शपथ, पुलिस ने दर्ज किया केस। मंदिर परिसर में राजनीतिक गतिविधि को लेकर बी करुणाकर रेड्डी के खिलाफ केस। हाथ में कपूर की आरती लिए बेगुनाही की शपथ ली।